नमस्कार, भारत उदय समाचार में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर दादरा एवं नगर हवेली के सांसद के द्वारा नारियल फोड़ कर ये ट्रक केरला के लिए भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो जनप्रतिनिधि है यहाँ पर मौजूद हैं, और जो कलेक्टर हैं दादरा एवं नगर हवेली के गोपीनाथ कन्नन सर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देख सकते हैं एक ट्रक यहाँ से Thank you, sir. I'm most grateful to your guest, sir, and for the help what you have given to us, all the Malayali communities. Not only Malayali community, all the complete Silvassa was there with us. Everybody is pouring in, like the rain which is in Kerala, the rain of items which are coming to us is very immense, and it's very prominent. And we thank each one of you, all the groups, all the Silvassa, for the gesture which they have shown to the government. हमारे सभी कंडला समाज के मलयालम समाज के सभी आगे सभी मीडियागण, और केरल में जो आपदा आई है वो बहुत ही बाढ़ खतरनाक आई है, और हम दादरा नगर हवेली की जनता केरल के समाज के साथ खड़ी रहेगी। और आज ही मैंने एक मीटिंग लिया हमारे नगर पालिका और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के साथ, और नगर पालिका में हमारे राकेश भाई, अजय भाई, उन्होंने कहा है कि हम सब अच्छी नई चीज़, जो कपड़े नए, कोई भी पुराना नहीं, और राकेश भाई और अजय भाई ने जिम्मेदारी ली है, और हम टूक समय में सभी यहाँ हमारे व्यापारी के साथ मीटिंग करेंगे, और जो जो जरूरत चीज़ हो वो मलयालम समाज के साथ मीटिंग करके वो चीज़ इकट्ठी करके वहाँ हम भेजेंगे। और हमने मैंने जो एमपी लाड स्कीम से 1 crore जो रिकमेंड किया है, मैं मानता हूँ कि अच्छे कामों में वहाँ उपयोग होगा, और एकदम अच्छी जगह पे उपयोग होगा। हमारे कलेक्टर साहब भी केरला से बिलोंग करते हैं, आप लोग भी केरला से बिलोंग करते हैं, और मैं मानता हूँ कि केरल जल्दी से जल्दी वापस खड़ा हो, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। दो ट्रक में से एक ट्रक दादरा एवं नगर हवेली के आदिवासी भवन से पूर्व सांसद मोहन एस डलकर के द्वारा झंडी दिखाकर भेजा गया। वहाँ पर सभी प्रतिनिधि जिला पंचायत के वहाँ पर मौजूद रहे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के पास ये ट्रक विदा किया जा रहा है, जिसमें सांसद नटू जी पटेल, राकेश सिंह चौहान, अजय देसाई, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और उन सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर बताया गया है और नटू जी पटेल के द्वारा 1 crore का चेक केरला फंड के लिए दिया गया है, जो यहाँ पर मलयालम एसोसिएशन है दादरा नगर हवेली का, उसको दिया गया है। एसोसिएशन पहले ये फ्लड हुआ था, अभी हमारा सोचने का था 10 lakh का फाइल किया था, आज का दिन में अभी हम लोग ये पोजीशन में पहुंच गया, 2 crore का ऊपर अमाउंट का सामान हमारे पास आ गया है। पूरा दादरा नगर हवेली का पूरा झंडा, पूरा एक एक आदमी हमारा साथ में है, इसलिए हम लोग धन्यवाद बहुत बहुत जैसे ये करता हूँ, सबसे थैंक्स करता हूँ। और हम लोग आज का दिन में 2 ट्रक माल उधर भेजा गया हुआ है, आज ये सेकंड गाड़ी है, फर्स्ट गाड़ी आदिवासी भवन से श्री मोहन एस डलकर SMP उनका अंडर में एक पूरा ट्रक 21 टन मटेरियल चला गया है। ये सेकंड ट्रक है, इसमें पूरा दादरा नगर हवेली का जितना हमारा दोस्त है, लोग व्यापारी व्यवसायी लोग एसोसिएशन से, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से, बिल्डर्स एसोसिएशन, सब लोग का हम लोग को साथ मिला हुआ है, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है। इस टाइम पर सबको दादरा नगर हवेली का पूरा जनता को इस टाइम पर हम धन्यवाद करते हैं। क्या नाम? सतीश सी नायर, सेक्रेटरी नगर हवेली मलयालम एसोसिएशन के द्वारा ये सामान भेजा गया है, और जहाँ पर कलेक्टर और सांसद उपस्थित रहे। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को मदद करें। जय हिंद।